व्हाट्स अप गाइस, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमारी दिवाली की शॉपिंग हैज स्टार्टेड एंड व्हाटएवर द गिफ्ट्स एंड ऑल आर वी बॉट ऑल ऑफ दैट। अब घर वापस आ गए और काम कर लिया। अभी दिन के 2 बजे और कोई अभी खाना वाना तो बना नहीं है, तो आज हमने सोचा कि हम बाहर से खाना मंगवा लें। तो आज हमारे घर में पूरी आलू आ रहा है चेतन हलवाई से, जो बहुत ही फेमस पूरी आलू की दुकान है देहरादून में। सो वहाँ से पूरी आलू आ रहा है, वो खाएंगे। और मैंने काफ़ी सारा सामान लिया अपने हेल्पर्स के लिए और अपने नेबर्स वगैरह के लिए, अपने जानने वालों के लिए, मम्मी ने अपने कॉलेज वालों के लिए। सो हमने लिया है कुछ दिवाली गिफ्ट्स लिए हैं और उन गिफ्ट्स का मैं आपको बताऊँगी। किसी दुबह हमने कुछ हमने सोन पापड़ी ले ली है, कुछ हमने जूसेस के पैकेट्स ले लिए हैं और थोड़ी घर की डेकोरेशन का भी सामान लिया है। तो गाइस, आप देख सकते हो ना, ये वाला जो हमारा शैंडलियर है, ये काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। और हमारे घर में अभी पुताई हुई है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और हमारे पास वैक्यूम है नहीं। और ये अभी हमने टाइल्स लगवाई हैं, बहुत ही क्यूट और सुंदर टाइल्स लग रही हैं ये। सो अभी ये शैंडलियर हमने चेंज करवाया है, नया शैंडलियर लिया है, ये चेंज होएगा आज ही क्योंकि कल तो दिवाली वैसे भी है। ये सीन है। और जो सामान लिया उसको अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। ये ड्राइवर भैया तो घर चले गए अपने, क्योंकि संडे है, वो वैसे ही हाफ डे आते हैं। और हमें थोड़ा मोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा डेकोरेशन का भी सामान लाना है। अभी थोड़ा सा डेकोरेट करने का सोच रही हूँ, डेकोरेशन में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। मैंने बॉम्बे से कुछ सामान खरीदा था, एक टेरेकोटा की पेंटिंग खरीदी थी और थोड़ा सा और ज़्यादा सामान नहीं लिया था, मम्मी के लिए सामान लिया था, तो वो सब भी यूज करेंगे हम, लगाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये 2 पिलर्स हैं, तो इन पिलर्स के ऊपर मैंने अभी ये लाइट्स लगा दी हैं। और ये तो बहुत ही पुराना लैम्प है, ये भी मैंने एक बहुत ही सुंदर ये एक पीस लिया था बॉम्बे से अभी कुछ महीने पहले। और ये एक नया लैम्प है, ये जो लैम्प है वो यहाँ पे आएगा। और ये सारे थोड़े मोटे गिफ्ट्स पड़े हैं यहाँ पे, बाहर भी लाइट्स लग चुकी हैं। और अभी हम बस खाने की प्लेट्स वगैरह रख रहे हैं, वही सब खाएंगे। मम्मी तैयारी कर रही है, चाय पीने का भी मन हो रहा है, तो सोच रही हूँ चाय बनाऊँ। ये भी लिए हमने, मैं जनरली नेस्कैफे की कॉफ़ी नहीं पीती, मैं डेविड ऑफ पीती हूँ, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे हूँ, जब तक अभी कभी दिन अपने आई हूँ तो नेस्कैफे ही पी लेती हूँ। वाइट वेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत, मैंने कृष्ण जी की एक टेरेकोटा पेंटिंग ली है, ये मैं सोच रही हूँ कहीं पर लगानी पड़ेगी। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हो ना कितनी सुंदर लग रही है, तो यहाँ पे ये तो लगेगा ही। और अभी सामान लाना है कुछ। गाइस, हमारी चेतन हलवाई से खाना आ चुका है, इसमें है पूरी और बहुत फेमस पूरी है यहाँ की। और इसमें है सारा सब्जियाँ, इसमें आलू की सब्जी होती है और ये छोले होते हैं बहुत टेस्टी। और इसमें ये होता है थोड़ी मूली और ये कद्दू है, बहुत टेस्टी होता है ये भी, पता सारी सब्जियाँ। और एक सूखी सब्जी होती है आलू की, तो ये 4 सब्जियाँ देते हैं। पापा, ये कितने की होती है एक प्लेट? पहले कितने की होती थी? अच्छा, हाँ, कितने साल पहले 80 थी, अब 100 की हो गई है। अभी मैं रेस्ट कर रही थी और काफ़ी थकान हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करके मैं थक जाता आदमी। अब जो है मैं चाय बना रही हूँ पीछे, और शैंडलियर वाला आ चुका है, तो शैंडलियर लग रहा है, तो पहले लग जाए तब मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है शैंडलियर। और अभी चाय बन रही है, देखते चाय कैसे बनेगी। और रात के लिए आज मटन है, और रात को हम आज मम्मी कह रही है कि मटन बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट में काम करना है आपको, क्योंकि अभी कोई भी हमारे पास हेल्पर नहीं है खाना पकाने के लिए। सो इसीलिए आज कल बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ काम चल रहा है। कभी हम घर पे खा लेते हैं, कभी मंगवा लेते हैं, क्योंकि पूरे 3 टाइम का खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गाइस, अब हालत देखो दूध की, कितना हल्का दूध आ रहा है। आई थिंक ये लोग दूध में ना पानी मिला देते हैं आज कल, क्योंकि दूध इतना ज़्यादा अजीब सा हो रखा है, पता नहीं कैसा दूध दे रहे हैं।
सो गाइस ये पहला रंग है था, अब खोलो दूसरा, अब ये वाइट आ गया, अब तीसरा। वाओ आई थिंक ये बेस्ट लग रहा है। आप गाइस कमेंट सेक्शन में कौन सा वाला कलर जो है हमारे ड्राइंग रूम में अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि ये गोल्डन वाला अच्छा लग रहा है और मतलब कमरे का पूरा वो ही बदल गया आकार का। घर का मोस्टली डेकोरेशन हो चुका है, अब बस क्लीनिंग बाकी है कल सुबह, और गेंदे के फूल लगाने बाकी हैं, तो वो कल मैं जब पूरा कर लूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी परसों के ब्लॉग में। बट क्योंकि कल दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़। मैं बार बार कह रही हूँ बट मेरी वीडियोज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट।